हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं लौकी का हलवा। इसका ये अंदर का पार्ट फिर सब निकाल देना है। देखिए राउंड हो गया, अब इसको हम निकाल देंगे। आप लौकी को कट करके भी बीज निकाल सकते हैं, आपको जैसी सुविधा पड़े वैसे बीज निकाल लीजिए। देखिए सारा निकल गया है। देखिए ऐसे सारे बीज निकाल लेना है और मैंने ये सब निकाल लिए हैं। देखिए आप सबके निकाल लिए हैं, अब इनको कस लूँगी मैं। कसना है ये। देखिए एक और आ गई है लौकी, अब इसको भी कस लेती हूँ और इसको भी बना लेती हूँ जल्दी से, फिर खट्टा बनाऊंगी हलवा। लौकी का हलवा थोड़ा सा पड़ रहा था ना कम, इसलिए मैंने सोचा चलो और मंगा लो। चलो बनाती हूँ इसको, चल नहीं लेके आ बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो अभी सब भी? देखो एक लौकी आ चुकी है, आप देख लिएगा। मेरा बेटा वीडियो शूट कर रहा है। और इधर देखिए ये पापा है और ये मम्मी है और ये हूँ मैं। ये पागल छोरा है, पागल मोड़ी है हमारी। आज तो नहीं आएगा, एक दिन ही किए थे ये खराब हो गई पूरी कढ़ाई दूसरे दिन से, लेकिन ऐसे काम। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और बस मैं डायरेक्ट इसको लौकी को डाल दूँगी और इसका जब तक पानी नहीं सोख जाता जब तक इसको पकाऊँगी मैं, सारा पानी निचुड़ जाए तभी मैं दूध डालूँगी उसमें। पहले मैं उसी ऐसे ही पका लूँगी, जितना भी पानी छोड़ेगा सब सोख जाए तब तक मैं पकाऊंगी उसको। अभी इसको ऐसे ही पका लेंगे जब तक इसका पानी निकल रहा है, ठीक है। पानी में ही पहले इसको लौकी को पकाएंगे। और ये देखिए लौकी का सारा पानी सोख गया है, अब मैं दूध डाल दूँगी। 1 लीटर दूध डाल दिया था मैंने और अब मैं दूध में पकाऊँगी इसको स्लो फ्लेम में। इससे कि अच्छे से लौकी बढ़िया पक जाए और जब थोड़ा सा दूध रह जाएगा फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। 1 कटोरी चीनी डाल दी है मैंने, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। इसको भी थोड़ा चला दूँगी और मैंने यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा कर लिया था क्योंकि जल्दी से दूध सॉक हो जाए, कम हो जाए। और आप इलायची पाउडर भी डाल दें इसी टाइम पे, वो भी पक जाएगा और अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। और मैं मुझे ध्यान नहीं रही, साथ ही मैं अपने सामान लगा लूँगी जब तक मेरा हलवा पक रहा है। इसको चलाती जाऊँगी और मैंने काजू ले लिया था, बादाम और किशमिश और चिरौंजी, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास खोवा है तो खोवा भी डाल सकते हैं आप हलवा में, और मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं डालूँगी।
और मैं अपना सामान भी लगाती जाऊंगी, बंद कर लूंगी सब। और यहाँ पे ये बादाम निकाल रही हूँ मैं, मैंने किशमिश, चिरौंजी और बादाम और काजू डाल दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल दीजिए। और काजू और बादाम मैंने बारीक काट लिया था। मैं इसको तेज फ्लेम में ही पकाऊंगी जिससे कि ये अच्छे से पूरा पक जाए, पानी ये दूर है जो सब सोख जाए लौकी में। और फिर आप थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ी देर और पका लेंगे घी डाल के। ये लौकी और ये है घी, देसी घी चर का। ये तरी छोड़ने लगेगी तो डालेंगे घी। बिल्कुल भी पानी नहीं छूट रहा है इसमें, देखिए अब बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है ना, ना दूध निकल रहा है कहीं से भी। अब हम इसमें घी, थोड़ा सा घी डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया 1.5 चम्मच करीबन घी। चला लूँगी इसको, अच्छे से चला लूँगी। ठीक है, बढ़िया टेस्टी टेस्टी खुशबू। इसमें चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितने अभी मीठा खाना हो आपको। मैंने एक कटोरी ही डाली है। देखिए बिल्कुल तरी छोड़ने लगी है कढ़ाई। अब हम इसको बस निकाल लेंगे, आपको दिखाते हैं। बस मैं प्लेटिंग कर लूँगी। ये देखिए पूरी तली छोड़ने लगी है, देखिए अब से पक नहीं रही है बिल्कुल भी। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। मैं अब मैं बंद कर दूँगी गैस को और इसको अब मैं प्लेटिंग कर लूँगी। प्लेटिंग हलवा निकाल लूँगी। खुशबू ले लेके कम हो जा रही स्वाद। वाह वेरी नाइस, वाह बारे हम। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कैसा लगा आपको मेरे
लौकी का हलवा, आप भी बताइए। और बस इस पर मैं डेकोरेट कर दूँगी बादाम के साथ, इससे और अच्छा दिखने लगे और खाने का टेस्ट तो है ही। चलो आपको दिखाते हैं प्लेटें पास से। इतनी अच्छी लग रही है। और ये मैंने बादाम डाल दिए थे बारीक चॉप करके। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। बाय बाय। चलो अब हम तो खाते हैं जाके। चम्मच लगा लो। बाय बाय।